Today's students then dealing with the topic inlay molecular mass and formula unit mass. So how to calculate the molecular mass and formula unit mass. ठीक है तो molecular mass ना formula unit mass को नगता है कज़ू calculate चुचे सिनले ते उंगता है दरिंग इन हाल अल दरिंग अता टॉपिक को तेरे को मत अंगी जा हाँ गो उसले की molecular mass चेजर अनुकले molecule संग मालग यूसे नो हाला नम जिक element जिक या अंगी जा अंगी से संग माँ पो combine छा चक नंग याँ पो तेरे जिन्ची छा नोले ते वो molecule चेजर अनु हाला तत्ते molecule बिखोरंग में mass पो अता भिंगो शेसे नुकले तो उंगतांग समा लगी जाऊँ एटॉमिक मास समा लगी जाऊँ चीन अब ची प्लस चल ले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटोन ना प्ला न्यूट्रॉन गीस का प्लस चोट पा मता चित होवा नुकले एटॉमिक मास थवा थाला एटॉमिक मास थवा नो एटम मास जैसे कि गता हीलियम फिंग ना हीलियम ना ची हो ले हीलियम में एटॉमिक मास ची नुकले 4 ची फेजे ना कोना प्रोटोन गीस न्यूट्रॉन गीस यो नो ते फे एटॉमिक मास ची नो 4 ठीक है तो ये होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन कितने हैं वो डिटरमाइन करता है एटॉमिक मास को अब जब हम कुछ एटम्स को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है मॉलिक्यूलर मास तो यही चीज इसने लिखा है दैट इट इज द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स सम ऑफ एटॉमिक मास ने इन एटॉमिक मास हमारा तक कंबाइन चौनक ले एटम्स हमें मास को कंबाइन चौनक सो विल गेट द मॉलिक्यूलर मास तो हमें क्या मिलेगा मॉलिक्यूलर मास मिलेगा सो मॉलिक्यूलर मास इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट व्हिच इज डिनोटेड बाय द लेटर म्यू म्यू नंगे पर डिनोट चौनक हला तेने ची इनो कजुक शियांग अदा बे सम वंग अदा प्लस चुन देना फॉर एग्जांपल दक्षंग अदा वाटर इफिन ले ठीक है चलिए हम निकालते हैं वाटर का तो वाटर इज अ मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल है ना तो इस मॉलिक्यूल का हम मास निकालेंगे अब इस मॉलिक्यूल के मास को निकालने के लिए हमें यहां से एक एक एटम को कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कितने एटम है यहां पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है कि नहीं है तो इनको हमने प्लस करना है ठीक है सो हमें पता है कि एटम का जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 ठीक है इसका कितना है दो हाइड्रोजन है ना 1 ठीक है 2 सवाल है अब यहां पे हम क्या करेंगे और फिर ऑक्सीजन का कितना है 16 इन वाले 16 था 17 18 सो इट्स वेरी इजी 18 μ वो चीन अगले के मॉलिक्यूलर मास So what is the molecular mass of water? It's 18 mu. It's very easy. बहुत ही आसान है. अगर आप लोगों का atomic mass निकालना आ गया, you will easily get the molecular mass. आपको molecular mass भी easily से निकलना आ जाएगा. ठीक है? तो कैसे निकालना है? तो आप लोगों को पता है, hydrogen is या मना यंग ना था simple way जी ना चुना. तो इसे हम चुना दिखते हैं वाला. जैसे कि hydrogen is मेरे वाले, ठीक है? H2 है ना? Hydrogen 2 है ना? तो 2 hydrogen है. 2 ठीक है हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 बस ठीक है फिर हमने करना है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 तो 2 1s आर 2 प्लस 16 1s आर 16 तो कितना हो गया 18 ठीक है 18 μ ले ये होता है एटॉमिक मास भेजते नोकले सी वाटर ले देना तो सला यंग आता है ये मॉलिक्यूलर मास HNO3 HNO3 ठीक है अब हम इसका निकालेंगे HNO3 का कैसे निकालना है हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं चिक चिक मने में रुक ले हाइड्रोजन चिक चिक हाइड्रोजन एटॉमिक मास सम है ना 1 ठीक है प्लस अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे अब नाइट्रोजन कितने हैं एक ही है 1 नाइट्रोजन एटॉमिक मास सम है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 714 इन वाले 14 है ना तेस्ते नंगा ताग्यू से नोगले प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 ओके सो 11 जा 1 प्लस 114 जा 14 ठीक है प्लस 316 जा छानोगले 48 तो इन सबको आप प्लस कीजिए तो कितना हुआ यहाँ पे इट्स 63 μ ठीक है यू सो ले गता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 ले तो ये वो गता होने प्रैक्टिस रिसर्च से लोग निजा होने तो यू मा इम्पोर्टेंट है ना मॉलिक्यूलर मास पिंचेस पो ठीक है नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूनिट मास द फॉर्मूला यूनिट मास पर चीन नकले सो फॉर्मूला यूनिट मास हम सेम है नकले ठीक है
तो इट इज़ द सेम सम ऑफ एटॉमिक मास, दो वाले सम ऑफ एटॉमिक मास, इसमें भी हमने एटॉमिक मास को प्लस करना है ऑफ ऑल एटम्स ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. ईव अ फॉर्मूला यूनिट ही फेज देते ना, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दीज आर आयंस, इवन आयंस से ना ऑन ऑकले. ठीक है, तो आयंस सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और कन आयंस से रमेदा. तो आयंस को निका तेने का था ते उन्हें मोलिक्यूलर मास फिंचेस पा तेने का फॉर्मूला यूनिट मास से रन ऑकले. ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इजी. तो यहाँ पे हम किसी भी आयन का निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दसा आता है सिंपल हम सोडियम क्लोराइड का निकालते हैं. ठीक है, एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में डाले हम इसका निकालते हैं. ठीक है, तो सोडियम कितने हैं, चिक चिक मनी मेरू खाला, और इसका एटॉमिक मास कितना है 23. क्लोरीन कितने हैं 1, इसका एटॉमिक मास कितना है 35.5. यू अप्रोक्सीमेट जो इतना सालों पहले तो 35 तो कितना आ जाता है इसका 50. 23 ones are 23 plus 35 ones are 35.5 तो कितना हो गया 5 10 8 3 4 5 58.5 μ. ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला यूनिट मास ले ना सोडियम क्लोराइड ले. तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा. गो थ्रू योर बुक, अपने बुक में पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 का तेने क्वेश्चन था से दुखा ले. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2Cl2CO2 क्वेश्चन नंबर 1 2 वो नीचा उन्हें फिंचे से नुकले. तो यहाँ पे मास भी दिया गया है. तो गिवन एटॉमिक मास कुन खची नतांस ते वानो खची नतांस ते वामा नुकले ते फ्या नीचा होना इसको कुन एटॉमिक मास कुन नीचा होना इतु योंगो सानो है. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा इसको करने के बाद. अगर तब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर नता ऑनलाइन क्लास सजाने ते जने नता डाउट कुन क्लियर चुन हे पर निजाओ ने तम से डाउट ना ते समा कुमा प्रैक्टिस जात ले प्रैक्टिस जोस तेने निजाओ ने तेन ते समा नता क्लियर चुन.